नाभि में तेल लगाने के रामबाण टोटके। नंबर एक, नाभि में रोजाना तेल लगाने से फटे हुए होंठ नरम और गुलाबी हो जाते हैं। नंबर दो, आँखों की जलन, खुजली और सूखापन भी ठीक हो जाता है। नंबर तीन, नाभि में तेल लगाने से शरीर के किसी भी भाग में सूजन की समस्या खत्म हो जाती है। नंबर चार, सरसों का तेल नाभि पर लगाने से घुटने के दर्द में राहत मिलती है। नंबर पाँच, नाभि पर सरसों तेल लगाने से हमारे चेहरे की रंगत बढ़ जाती है, इसलिए आपको रोजाना नाभि पर सरसों तेल लगाना चाहिए। नंबर छः, नाभि पर सरसों तेल लगाने से पिंपल्स और दाग धब्बे ठीक होते हैं। नंबर सात, नाभि पर सरसों तेल लगाने से हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। नंबर आठ, बादाम का तेल लगाने से त्वचा की रंगत निखर जाती है। नंबर नौ, नाभि में तेल लगाने से पेट का दर्द कम होता है। नंबर दस, अपच, फूड पॉइजनिंग, दस्त, मतली जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। नंबर ग्यारह, इस तरह की समस्याओं के लिए पीपरमिंट आयल और जिंजर आयल को किसी अन्य तेल के साथ पतला करके नाभि में लगाना चाहिए। नंबर 12, अगर आप मुहासों की समस्या से परेशान हैं तो आपको नीम के तेल को नाभि में लगाना चाहिए, इससे आपके कील मुहासे दूर होने लगेंगे। नंबर 13, अगर आपके चेहरे पर कई तरह के दाग की समस्या है तो नीम का तेल नाभि में डालने से ये दाग दूर होंगे। नाभि में लेमन ऑयल लगाने से भी दाग धब्बे भी दूर होते हैं। नंबर 14, नाभि प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई होती है, इसलिए नाभि में तेल लगाने से प्रजनन क्षमता विकसित होती है। नंबर 15, कोकोनट या ओलिव ऑयल को नाभि में लगाने से महिलाओं के हार्मोन संतुलित होते हैं और गर्भधारण संभावना बढ़ती है। नंबर 16, नाभि में तेल लगाने से पुरुषों के शरीर में शुक्राणुओं की वृद्धि और सुरक्षा होती है। नंबर 17, अच्छी नींद चाहिए तो नाभि में नियमित तेल लगाइए। नंबर 18, माहवारी से संबंधित समस्याओं से आजकल हर दूसरी तीसरी महिला ग्रस्त मिलती है। अगर पीरियड्स के दौरान ज़्यादा दर्द हो तो रुई के फाड़े में थोड़ी सी ब्रांडी लगाकर नाभि में लगाने से यह दर्द तुरंत दूर हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल में जुड़ना न भूलें। धन्यवाद।